तो ये है हेमिस मोनेस्ट्री, हेमिस कोम्पा फेमस, जो कि आप देख रहे हैं सामने हेमिस म्यूज़ियम है, और यहाँ पर पुराना मंदिर, उसके बाद उसके साथ में रिनपोंचे इनका, और देखिए क्या सुंदर नक्काशी। ये वही जगह है जहाँ पर कि काफ़ी उसमें एक बहुत बड़ा मेला होता है, जो कि इसका अभी पिछले साल लगभग 22 अगस्त 2021 को हुआ है। तो ये इसका कंपाउंड हेमिस। मैं दीपकार बुराथा की, आपको अपने दीपकार बुराथा की चैनल पे आपको आमंत्रित करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए ये ऊँची जगह हेमिस मोनेस्ट्री पे, जो कि लद्दाख का बहुत प्रसिद्ध एक जगह है, वहाँ पर आपको एक म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉचिट। क्रॉचिट को जैसे कि कई हम हिंदुस्तानी के हिसाब से क्रॉचिट बोलते हैं, तो बाहर के हिसाब से इसको क्राशे और लैटिन में कुछ और नाम है, मगर यहाँ पर जैसे कि आर्मी म्यूज़िक स्कूल है पचमढ़ी का, या उनका और से जो भी निकले हुए हैं, तो वहाँ पर लगभग उनको क्रॉचिट ही बोला जाता है। तो आइए तो इसी क्रॉचिट की उसमें हम कुछ बातें करते हैं। तो क्रॉचिट की आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्रॉचिट किस किस्म का है। देखिए ये 5 लाइन 4 स्पेस, इसके बीच में अगर ये है ट्रेबल क्लिप, इसका देख लीजिए ये टाइमिंग सिग्नेचर, और इसका ये की सिग्नेचर मान सकते हैं इसको। तो क्रॉचिट की सबसे पहली निशानी ये होती है क्रॉचिट की, जैसे कि ये अंडाकार हुआ, अगर इसके एक लाइन लग गया नीचे को तो वो मीनम होता है, अगर इसको बीच में भर दिया जाए लगभग किस किस्म से तो ये क्रॉचिट। क्रॉचिट म्यूज़िक के सभी उसमें एक ही जगह में आता है, तो सभी प्रकार के म्यूज़िक में लगभग आता है। जैसे कि अभी मैंने 3/4 म्यूज़िक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3/4 म्यूज़िक में भी कि किसी भी नोटेशन के ऊपर लग के वो एक बार के अंदर 3/4 का म्यूज़िक है, तो तीन ही क्रॉचिट आ सकते हैं, क्योंकि 4 से रिलेटेड क्रॉचिट हैं। 3 का मतलब कि 3 चीज़ें, और 4 का मतलब कि रिलेटेड वहाँ से जहाँ से हो 4 क्रॉचिट। तो देखिए एक और अवलोकन कीजिए आपको हेमिस मोनेस्ट्री का। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें क्रॉचिट का म्यूज़िक के अपने उसी मुताबिक ही आते हैं, जैसे कि अगर 2/4 म्यूज़िक है, 2/4 म्यूज़िक में खाली एक बार के अंदर अगर ये 3/4 म्यूज़िक है तो 3 क्रॉचिट आ रहा है, अगर 2/4 का हुआ तो एक बार के अंदर खाली 2 ही क्रॉचिट आएंगे, क्योंकि एक एक बीट में एक एक होता है। इसी प्रकार अगर आप मान लिया जाए कि 6/8 बीट है, तो 6/8 बीट में खाली 2 ही डॉटेड क्रॉचिट आएंगे। 2 इसलिए आते हैं कि एक क्रॉचिट बराबर 2 क्वाइवर होते हैं, और एक क्रॉचिट बराबर 2 क्वाइवर, 4 क्वाइवर हुए, या 5वां के ऊपर जो डॉटेड लगा हुआ 6वां एक क्वाइवर है। तो आप मान सकते हैं कि 6/8 म्यूज़िक में खाली 2 क्रॉचिट और डॉटेड क्रॉचिट आते हैं। इसी प्रकार अगर आपको एक बार अवलोकन कराते हैं आपको हेमिस मोनेस्ट्री का, जो कि मैंने कवर कर लिया 3/4 और 2/4 6/8, अब आपको हाफ कॉमन का कराते हैं। हाफ कॉमन की निशानी ये सी और क्रॉस होता है। हाफ कॉमन मतलब हाफ कॉमन और ये 2/4 लगभग एक ही जैसे होते हैं, मगर अगर हाफ कॉमन में अगर ये क्रॉचिट आए तो इसका क्रॉचिट का जो वैल्यू हो जाता है वो क्वाइवर का हो जाता है। इसलिए मान सकते हैं कि हाफ कॉमन म्यूज़िक में अगर यहाँ पर ये मिनिमम लिखा हुआ है, तो
तो ये इसका जो प्लेट का तरीका होगा वो एक क्रॉचेट का होगा और फिर एक क्रॉचेट, ये हाफ कॉमन। हाफ कॉमन टाइम में पता ही है कि हाफ कॉमन में म्यूज़िक बहुत कट के आता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर कुछ जो मंत्र इसमें लिखे होते हैं टिबेटन उसमें, तो इसको ये प्रेयर व्हील जो कि हाथ से घुमाते हैं, आपने शायद देखा होगा यहाँ पर। और अब आपको मैंने ये किया 3, 4, 2, 4, 6, 8 और हाफ कॉमन का किया, तो आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी जो कि क्रॉचेट के बारे में थी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कुछ बात हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बार और आप देख लीजिए प्रेयर व्हील। थैंक यू, धन्यवाद।